नेक्स्ट देखिए नंबर फोर, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टा नियमन, वोल्टा नियमन, ठीक है। वोल्टा नियमन क्या होता है? वोल्टा नियमन यानी के जो निर्गत वोल्टा प्राप्त होती है उसका मान निकालना होता है, ठीक है। वोल्टा नियमन यानी के जो निर्गत वोल्टा प्राप्त होती है लोड धारा के सिरों पर, जो निर्गत वोल्टा में जो परिवर्तन होता है उस वोल्टा का मान जिससे निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। निर्गत वोल्टा में जो परिवर्तन आएगा उसका मान निकालेंगे उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। लोड के सिरों पर जो वोल्टा प्राप्त होगी उस वोल्टा का जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन में क्या आता है, जैसे कि ये वाले पार्ट आ गए वोल्टा नियमन, ठीक है। और इसमें देखिए इस तब इसका मान क्या आएगा, जैसे कि अपन ने इसको कितना मान लिया, वोल्टेज रेगुलेशन वी आर मान लिया, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन को अपन ने कितना मान लिया, वी आर मान लिया, ठीक है। तो इसका मान कितना आता है प्रतिशत के रूप में, देखें तो प्रतिशत वोल्टा नियमन क्या आएगा, ये दो प्रकार के पार्टों में आएगा, एक जब लोड प्रतिरोध उपस्थित हो, एक जब लोड प्रतिरोध उपस्थित ना हो, ठीक है ना। कितना मान आएगा, वी एन एन माइनस वी एफ एन अपॉन वी एफ एन इंटू हंड्रेड, ठीक है ना। इस वाले के मान क्या आएंगे, वोल्ट नियमन का मान कितना आएगा, वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू हंड्रेड, ठीक है। वी एन एल का मान कितना आएगा, वी एन एल लोड प्रतिरोध की अनुपस्थिति में प्राप्त किया जाता है वोल्टा, ठीक है। और वी एफ एल कितना आएगा, लोड प्रतिरोध की उपस्थिति में वोल्टा, ठीक है। जो वोल्टा नियमन निकालें, वोल्टा नियमन क्या होता है, जो निर्गत वोल्टा होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उस वाले का मान निकालना है। देन इसका मान निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, जो एक तो आ जाएगा वोल्टा जब लोड प्रतिरोध उपस्थित हो, एक आ जाएगा वोल्टा जब लोड प्रतिरोध उपस्थित ना हो, ठीक है ना। ये वाले मान आ गए। वी एन एल क्या आ जाएगा, वी एन एल माइनस वी एफ वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू हंड्रेड, ठीक है। वी एन एल क्या है, जब लोड प्रतिरोध उपस्थित ना हो, और वी एफ एल क्या है, जब लोड प्रतिरोध उपस्थित हो, ठीक है ना। ये वाले मान होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनके मान आगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए, वी एन एल क्या हो गया, लोड प्रतिरोध की उपस्थिति में सॉरी अनुपस्थिति में प्रति वोल्टा, और वी एफ एल क्या हो गया, आरएल की उपस्थिति में वोल्टा, ठीक है। ये वाले मान अपने पास निकालने होते हैं, ठीक है। अब देखिए ईडीसी का मान कितना आता है, ईडीसी का मान कितना निकाला था, जो यहाँ पे ईडीसी मान आया वो क्या निकाला है, वी ईएम
पाई इंटू आर एल अपॉन क्या था, आर प्लस आर ई एम अपॉन पाई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है। देन ये वाले मान किस प्रकार लिखे जाएंगे, ई एम अपॉन पाई वन माइनस आर अपॉन आर प्लस आर एल लिख सकते हैं। ई डी सी का मान निकालना है, ई डी सी का मान कितना हो जाएगा, ई एम अपॉन पाई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, ई डी सी वी एफ एल, ठीक है। कितना मान आया, कितना मान होता है इसका, पीछे भी निकाला था अपन ने ई डी सी, आई डी सी का मान निकाला था, उसी के साथ क्या आ जाता है, ई डी सी का मान भी आ जाता है। ई डी सी का मान कितना होता है, ई एम अपॉन पाई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, और इसे क्या लिख सकते हैं, ई एम अपॉन पाई वन माइनस आर अपॉन आर एल, ठीक है। या फिर इस वाले पार्ट को क्या लिखा जा सकता है, ई डी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर यदि मल्टीप्लाई देखें तो ये वाले मान आ जाएंगे, ई एम अपॉन पाई माइनस ई एम अपॉन पाई अपॉन आर इंटू आर प्लस आर एल, क्या मान होता है, आई डी सी के रूप में ये मान आ गया, इंटू क्या आ जाएगा, आर एल। ये मान कब होता है, जब लोड प्रतिरोध उपस्थित हो, ठीक है ना। ये मान कब आएंगे, जब लोड प्रतिरोध क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है ना। स्टार्ट इसके आधार पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आधार पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वाली स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एम अपॉन पाई आ जाएगी। यानी कि ग्राफ वगैरह देखें, ये यहाँ पे कितना दे रखा है, ई डी सी कितना दे रखा है, ई एम अपॉन पाई, ये आई डी सी, ठीक है। तो इसमें से निकलने के बाद में इसका टोटलिंग मान कितना हो जाएगा, ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, ठीक है। स्टार्टिंग क्या मान था, ई एम अपॉन पाई, ठीक है, और प्रतिरोध लगा हुआ है आर एल, इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा, तो किससे लिखिए, माइनस आई डी सी इंटू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। या दूसरी तरफ से इसको देखें तो क्या मान आएगा, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कितना दे रखे है, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, ई एम अपॉन पाई, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दे रखी है, ई एम अपॉन पाई, और आर के कारण क्या हो रहा है, इसका ई डी सी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। ये तो मैक्सिमम है, स्टार्टिंग जब पॉइंट कर दिया जीरो पर कितना है, ई एम अपॉन पाई इसका मान है, ठीक है ना। मैक्सिमम मान कितना दे रखा है, ई एम अपॉन पाई, ठीक है ना, ई डी सी का, ठीक है। और जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, ई डी सी का मान क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। ये ग्राफ कब प्राप्त होंगे, ई एम अपॉन पाई ई डी सी, ठीक है। ई डी सी का मान जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा, ई डी सी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग इसका पॉइंट था ई एम अपॉन पाई, ठीक है, और आर लगने के बाद में क्या माना जाएगा, ई डी सी बराबर ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे पोजीशन देखिए, यदि आर का ग्राफ के द्वारा इनका ये तो क्या था, जो रिजल्ट आया था इक्वेशन, उसकी जो सर्किट डायग्राम क्या आएगा, इस प्रकार आएगा ई एम अपॉन पाई, और साथ में क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मान क्या हो, धीरे धीरे कम, स्टार्टिंग ये दिखा दिया अपन ने,
और आर के कारण क्या हो जाएगा, माइनस आई डी सी इंटू आर आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट आई एम अपॉन पाई, ठीक है, आर का मान बढ़ेगा तो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे इसका मान कम होता जाएगा, ठीक ना। ई डी सी का मान क्या आ जाएगा, इससे कम होता जाएगा। ये कब था, जब लोड प्रतिरोध उपस्थित था, और यदि लोड प्रतिरोध उपस्थित ना हो तो इसका मान कितना आता है। इफ यदि लोड प्रतिरोध उपस्थित ना हो तो कितना आएगा, वी एन एल का मान कितना आएगा, ई एम अपॉन पाई आता है, ठीक है। वी एम ई एम अपॉन पाई स्टार्टिंग वैल्यू जब उपस्थित नहीं था, और उस उपस्थित होने के बाद में कितना मान आएगा, माइनस आई डी सी इंटू आर लग जाएगा, ठीक है, ये वाले मान। अब देखिए इसके आगे की वैल्यू देखिए, ये किसका मान आ गया, ए डी सी यानी कि वी एफ एल का मान आ गया, ठीक है, और वी एन एल का मान कितना है, ई एम अपॉन पाई, ये दोनों मान इसमें रख दो, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा। कितना आया, वी आर बराबर वी एन एल, वी एन एल का मान कितना है, ई एम अपॉन पाई, माइनस वी एफ एल का मान कितना था, ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर अपॉन कितना है, वी एफ एल ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, ठीक है। जो वैल्यू कट रही है काट देना, जो बाकी बचेगा वो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। वी आर का मान कितना आया, ई एम अपॉन पाई से ई एम अपॉन पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, पानी लगेगा, ई एम अपॉन पाई से ई एम अपॉन पाई कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना रिजल्ट आएगा, आई डी सी इंटू आर अपॉन ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। या इस तरफ लिख दे, क्या रिजल्ट आएगा, वी आर का मान कितना आया, ई एम से ई एम कैंसिल आउट, ई एम अपॉन पाई से ई एम अपॉन पाई कैंसिल आउट, प्लस आई डी सी इंटू आर अपॉन ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, सेकंड, थर्ड, उसके बीच में आई थी वो वाली इक्वेशन भी नाम दे देना, ठीक है। इसके आगे देखिए, क्योंकि ई एम अपॉन पाई का मान कितना होता है, ई एम अपॉन पाई का मान कितना होता है, आई डी सी आर प्लस आर, ठीक है। जो लास्ट अपन ने इसकी वैल्यू निकाली थी आई डी सी वाले में ये मान आई थी, ई एम अपॉन पाई बराबर आई डी सी आर प्लस आर, ठीक है। ये मान काट दो, कितना आया, ये वाले मान यदि इनसे रखेंगे तो कितना आएगा, आई डी सी इंटू आर अपॉन आई डी सी आर प्लस आर एन माइनस आई डी सी इंटू आर। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया, आई डी सी से आई डी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर अपॉन आर एन के रूप में रिजल्ट आ गया, ठीक है। किसका मान आ गया, ये वोल्टा नियमन का। वोल्टा नियमन क्या होता है, एक्चुअली कोई भी जो अपन हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिजल्ट आता है अपना वोल्टा वाला, निर्गत वोल्टा जो आउटपुट आएगी आरएल के सिरों पर,
उसमें जो परिवर्तन है उस परिवर्तन का मान निकालते हैं, उस परिवर्तन के मान निकालने वाले पार्ट को क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन का मान किस पर डिपेंड करता है, वोल्टताओं पर डिपेंड करता है जब आरएल उपस्थित हो और जब आरएल उपस्थित ना हो। ठीक है ना, आरएल उपस्थित होने पर वी एफ एल आ जाएगा और वी एन एल किस में आएगा, जब आरएल उपस्थित ना हो। ठीक है,